मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मॉडल एक्ट अधिनियम लागू करने का अध्यादेश लागू होने के बाद लाखों लोगों को बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। ऐसे में हम आपको लिए चलते हैं खरगोन जिले में, जहां मंडी विभाग महकमा सड़कों पर उतरा है और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों के अंतर्गत सरकार ने मॉडल एक्ट अधिनियम का अध्यादेश जारी किया है, जिसमें निश्चित तौर पर मंडियों का निजीकरण किया जाना है। गौरतलब है कि बात को लेकर तुलावटी संघ भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। वहीं अब मंडी के कर्मचारियों की भी चिंता बढ़ने लगी है, जिसे लेकर महकमे में जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर मंडियों को पूर्व की तरह संचालित करने के सहित उचित कार्यवाही करने के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मंडी सचिव ने बताया, मॉडल एक्ट प्रक्रिया लागू होने के बाद किसान और कर्मचारियों को परेशानी के दौर से गुजरना होगा और उक्त समस्या से निजात पाने के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मॉडल एक्ट के विरोध में निकली समस्त प्रदेश के कर्मचारी अपने अपने जिलों में। क्या मांग है? मांग हमारी है ये मॉडल एक्ट में, मतलब हमारे को क्या है कि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर में मतलब बहुत डिफरेंस। मंडी के अंदर अगर माल बिकेगा तो व्यापारी से 1 रुपये 70 पैसे टैक्स ले, और अगर ये एक्ट के तहत अगर बाहर बिकता है तो उनको निःशुल्क है और बगैर लाइसेंस से करें। और मंडी का जो है तो मंडी के आय मतलब कर्मचारियों की आय होगी तो ही तनख्वाह भी मिलेगी, नहीं तो नहीं होगा। फ्री में अगर बाहर मिल रहा है तो अंदर काहे को आएगा। इस एक्ट के क्या नाम है आपका? अमेंद्र सिंह पंवार। माध्यम से ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। इसका मुख्य कारण जो भारत सरकार द्वारा जो मॉडल एक्ट लागू किया गया है उसके विरोध में, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में हमारी मंडियाँ बहुत अच्छे से संचालित हैं और किसानों का उसमें विश्वास है, और अभी जो मॉडल एक्ट लागू किया गया उसमें मंडी के अतिरिक्त भी प्राइवेट लोग जो बिना लाइसेंस के खरीदी करेंगे, इसके कारण क्या होगा कि किसानों के भुगतान की और उनके तौल और उनकी सुरक्षा का थोड़ा जोखिम रहेगा, और इसमें हमारे मंडी कर्मचारी अधिकारियों को भी वेतन भत्तों की समस्या आएगी। इसको लेके हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और उसके बाद में हम आगामी रणनीति जो संयुक्त मोर्चा लेगा उसको करेंगे। ठीक है, निजीकरण की ओर जा रही मंडी लग तो एक्चुअल में क्या है कि मंडी निजीकरण की तरफ जा रही है और प्राइवेट मंडियों का कॉन्सेप्ट आया है मॉडल, इसी के विरोध में हम लोग आए हैं। कितने दिन तक इंतजार करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय लेंगे? जो हमारा संयुक्त मोर्चा भोपाल के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग पूरा वही करेंगे। क्या नाम लिखा? मैं रामवीर करण, मंडी सचिव खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।